Did you know eating just one egg is equal टू स्मोकिंग 5 सिगरेट्स? है ना चौंकाने वाली बात. जय हिंद एंड अ हार्टी एंड वार्म वेलकम टू माई चैनल मेड टॉक्स विथ रोशनी. आपने कभी अपने मम्मी पापा को ऐसे बात करते हुए सुना होगा या फिर अपने अंकल आंटी को ऐसे बात करते हुए सुना होगा कि अरे वो अंकल वो आंटी ने तो कभी ड्रिंकिंग किया ही नहीं, कभी स्मोकिंग किया ही नहीं, फिर उनको लंग कैंसर कैसे हो गया, उनको हार्ट अटैक कैसे हो गया, उनको डायबिटीज कैसे हो गई, उनकी प्रेशर इतनी बढ़ी हुई थी कैसे, वो तो पूरी लाइफ बस नॉर्मल जो खाना मिलता था वही खाते थे, उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया है. एंड कभी आपके दिमाग में भी आया ही होगा कि हमने पूरी लाइफ हेल्दी खाई है, फिर अचानक से किसी को इस प्रकार की डिजीज कैसे हो जा रही है. इतने कम उम्र के बच्चों को, टीनेज लाइफ के जो बच्चे हैं उनको कैसे कैंसर हो जा रहा है, कैसे डायबिटीज हो जा रही है. सो ये सब क्वेरीज एक इंसान जिनका नाम है किप एंडरसन एंड कीगन कर्न, ये उन लोगों को भी ये क्वेरीज थी. एंड क्योंकि उनकी फैमिली में ही जो हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कैंसर जैसी, तो उनके मन में भी ऐसे ही विचार आए एंड उन्होंने फैक्ट्स एंड आर्टिकल्स चारों तरफ खोजबीन करना शुरू किया है एंड उन्हें ये मूवी बनाकर हमारे लिए तैयार किया. एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसका नाम है व्हाट द हेल्थ. ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी. आई अग्री कि ये मूवी यहाँ की नहीं है, इट्स एन अमेरिकन बेस्ड मूवी और उन्होंने वहां की स्टडी की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंडियंस भी उनके तौर तरीके, उनके फूड कल्चर को अपना रहे हैं. हर छुट्टियों में हम मैकडोनल्ड्स, केएफसी में चल जाते हैं, वहां चिकन्स खा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो चिकन जो हम खा रहे हैं वो चिकन में हाई अमाउंट ऑफ सोडियम रहता है, जिस जो कि मेन कॉज है हाई ब्लड प्रेशर करने के लिए. उसमें बहुत से कार्सिनोजन यानी कि कैंसर प्रोड्यूस करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं. जी हाँ, एंड इट्स नॉट अ जोक. ये मूवी के द्वारा आपको उन सारी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स एंड डिटेल्स मिलेंगी. बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट अपनाया एंड ये मेडिसिन्स को किस तरह से झेल रहे थे खाते हुए, किस तरह से उनके डॉक्टर उन्हें बोल रहे थे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एंड बहुत हद तक आप खुद को इन चीजों से रिलेट भी कर पाएंगे. ये मूवी जो है प्लांट बेस्ड फूड हमें खाने के लिए एनकरेज कर रही है. मैं अग्री करती हूँ टू सम एक्सटेंट कि यस, प्लांट बेस्ड फूड हमें खाना चाहिए, लेकिन मैं कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन को मैं अग्री नहीं करती कि मतलब पूरी तरह से नॉन वेज फूड हमें बंद कर देना चाहिए. पोल्ट्री फूड जो है वो ना खाएं, लेकिन देसी चिकन, देसी अंडे तो खा ही सकते हैं, है ना. जब तक आप ये मूवी देखेंगे नहीं तब तक आप मेरे आंसर कैसे देंगे. आप एक बार ये मूवी देखें एंड आपके जो थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं.